भारत एक ऐसा देश है जो तमाम कल्चर को समेटे हुए है, जहां हर कम्युनिटी का सम्मान किया जाता है। और आस्था की बात करें तो आस्था पर विश्वास यहां पर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आज भी हम सुबह भगवान के आगे दिया जलाना नहीं भूलते। आज भी वही परंपरा बरकरार है जो पहले थी। अगर वक्त के साथ साथ कुछ बदला है तो वो है हमारी बाती। हाथ से बनी बाती की जगह अब कॉटन विक्स यानी रुई बत्ती ने ले ली है, जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। नवरात्रि, दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान घर, कार्यालयों, स्कूलों, कारखानों में और प्रार्थना स्थल में नियमित रूप से इन बत्तियों का उपयोग किया जाता है। ये एक लघु उद्योग व्यवसाय है जिसे आप अपने घर से ही कर सकते हैं। 30 से 35 हजार में आप रुई बत्ती बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं रुई बत्ती कैसे बनाई जाती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन के जरिए कॉटन बत्ती को आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप कॉटन को दो पार्ट में तोड़ लें, फिर इस कॉटन को ऊपर की तरफ पकड़ना है। अब आपको मशीन में रुई को अपने अंगूठे से ऊपर की तरफ स्लाइड करना होता है ताकि बत्तियों में फिनिशिंग आ सके। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बत्तियां तैयार हो रही हैं। और इन रुई बत्तियों की खासियत है कि ये आराम से स्टैंड हो जाती हैं। हाथ से बनाई गई बत्तियों की तुलना में ये बत्तियां बहुत अच्छी होती हैं। रुई बाती बनाने में रॉ मटेरियल में कॉटन ही यूज होता है, और अच्छी और आकर्षित बत्ती के लिए आप मेडिकल कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पैकेजिंग के लिए आकर्षित डिब्बे और पॉलिथीन बैग्स और सीलिंग मशीन की जरूरत होती है। आपको बता दें, रुई बत्ती बनाने के लिए कौन सी मशीन आपको लेनी होगी और मार्केट में इनकी क्या कीमत है। रुई बत्ती बनाने की मशीनें मार्केट में बहुत सी उपलब्ध हैं, जैसे लंबी बत्ती मशीन, सेमी ऑटोमेटिक और डिजिटल मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन 25,000 से 30,000 तक मार्केट में उपलब्ध है। इस मशीन से अगर आप रोज 8 घंटा काम करेंगे तो आपका रोज का प्रोडक्शन लमसम 3 kg तक आराम से हो सकता है। इसके अलावा आपको पैकेजिंग के लिए पैकेट्स की भी जरूरत होगी, जो मार्केट में उपलब्ध है। और अधिक आकर्षित दिखाने के लिए आप बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट के हिसाब से इन बत्तियों की पैकिंग की जाती है। इसके अलावा आप पॉलिथीन में भी इन बत्तियों को काउंटिंग करके पैक कर सकते हैं, और साथ ही अपने ब्रांड के स्टिकर्स लगाकर सीलिंग मशीन से इन्हें सील कर सकते हैं। इस तरह के आप तकरीबन एक दिन में 240 पैकेट्स तैयार कर सकते हैं, जिनका रिटेल प्राइस लगभग 2400 रुपए होता है। 2 kg माल की टोटल कॉस्टिंग लगभग 600 रुपए होती है, और उसका रिटेल प्राइस तकरीबन 2400 होता है। यानी अगर आप उसको रिटेल में बेचेंगे तो आप तकरीबन हर रोज 1800 रुपए कमा सकते हैं, और अगर आप उसको होलसेल में बेचेंगे तो आप एक पैकेट 6 रुपए में बेच सकते हैं, जिसका टोटल सेलिंग प्राइस 1440 होता है, जिसमें से अगर 600 रुपए कॉस्टिंग निकाल दी जाए तो आप 840 रुपए रोजाना कमा सकते हैं। ये एक लघु उद्योग है। इस व्यवसाय के लिए आपको अलग से एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर के एक कमरे से भी इसे शुरू कर सकते हैं। रुई बत्ती की मशीन बहुत बड़ी नहीं होती, और अगर आप रोज 8 घंटे इस मशीन से काम करते हैं तो महीने का बिजली का बिल 100 रुपए से 200 रुपए लगभग आ सकता है। बात अगर लीगल फॉर्मेलिटीज की करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र से लाइसेंस लेना होगा। अगर आप ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं तो वह भी आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। इस उद्योग को शुरू करके आपको भी काफी लाभ हो सकता है। उद्यमी यानी अल्टीमेट ड्रीम ऑफ यंग एंड मॉडर्न इंडिया आपको हर समय नए नए व्यापार के बारे में जानकारी देता है। नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को, और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000333 या 7526000555 पर कॉल कर सकते हैं।